साथ मीमांसा मलिक, मेरे साथ हैं विशाल, बिहार का सिरमौर कौन ये अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन कुछ नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। बिहार चुनाव के 23 सीटों के नतीजे आए हैं, बीजेपी ने 6 और आरजेडी 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। जेडीयू के 4 और वीआईपी के 2 उम्मीदवारों की जीत, एआईएमआईएम सीपीआई के 2-2 उम्मीदवार जीते हैं। तो धीरे धीरे अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और रुझानों की बात करें तो उसमें बीजेपी गठबंधन अभी भी लीड कर रहा है, लेकिन अब आंकड़े अब कुछ बदल भी रहे हैं, कुछ ऐसे रुझान हैं जो कि आरजेडी गठबंधन के पक्ष में गए। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए हैं सुशील मोदी। सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बड़ी खबर हमने आपको बताई किन किन सीटों पर नतीजे घोषित हो गए हैं, कौन कौन जीता है, दो बड़ी खबरें हो गई। तीसरी बड़ी खबर क्या है मेहमान साहब? जी, सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं और मंथन का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जैसे कि हमने आपको बताया, बीजेपी गठबंधन इस वक्त लीड कर रहा है, मजबूत पोजीशन में है, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं रुझान जो कि आरजेडी गठबंधन के पक्ष में भी गए हैं। वहां भी बताया जा रहा है कि उनके घर पर भी अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते हैं, आरजेडी और जेडीयू के 2-2 उम्मीदवार जीते हैं। ठीक है, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हसनपुर विधानसभा से आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव जीत गए हैं। हसनपुर सीट से तेज प्रताप जीत गए हैं, लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार जीत गए हैं। नवादा की बात करते हैं, लखीसराय से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने जीत दर्ज की है। आपको बता रहे हैं नवादा से गोविंदपुर से आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद कामरान जीते हैं। कौन कौन सी सीट पर कौन जीता ये लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। तो कौन सी सीट पर किसने जीत दर्ज की है ये हम आपको बता रहे हैं, और जो चुनावी नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी उम्मीदवार मोहम्मद कामरान ने विजय हासिल की है। सिवान भररिया से आरजेडी के उम्मीदवार के जीतने की खबर आ रही है। तो लगातार ये नतीजे आ रहे हैं, देर रात तक आएंगे चुनाव नतीजे, ये चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा, अभी जो जानकारी मिल रही है तेजस्वी यादव के घर पर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, नीतीश कुमार के घर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर क्या हाल है? बताया जा रहा है कि बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, दोनों ही कैंप्स में हलचल तेज। बिल्कुल मीमांसा, हलचल, राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और अभी कुछ देर पहले, लगभग 5 मिनट पहले, जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो और साथ में सुशील कुमार मोदी, ये दोनों अंदर गए हैं। ये सुबह से कोई एक अशोक चौधरी नेता थे वो गए थे, इससे पहले, इससे तुरंत बाद में आरसीपी सिंह गए हैं नीतीश कुमार के आवास पे। और निश्चित रूप से ये जो एक कोर टीम है नीतीश कुमार की, जिसमें आरसीपी सिंह आते हैं, ललन सिंह आते हैं, ये लोग सुझाव देते हैं और सुझाव को नीतीश कुमार मानते हैं। तो जिस तरीके से नतीजे अब बढ़ने लगे हैं और लगातार जो मीटर है वो चेंज हो रहा है, कभी एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। ब्रजेश, ये तो एक बार फिर से बहुत टफ फाइट हो गई है, क्योंकि 10 सीटों का सिर्फ गैप है और 1 करोड़ से ज्यादा वोट गिने जाने बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और आपको बता दें कि ऐसी 35 सीटें हैं, अभी जो चुनाव आयोग से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक 35 सीटें ऐसी हैं जिसमें जो राउंड है वो अभी 4 से 5 राउंड ही हुआ है, मतलब उसमें अभी 30 से 35 राउंड चुनाव अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि टफ फाइट है, और कोई ये नहीं कर सकता है कि रिजल्ट किसके, नतीजे किसके पक्ष में आएंगे। हालांकि नतीजों का तो इंतजार करना होगा, लेकिन कम से कम एक बात कही जा सकती है रविंद्र, जो कि राहत की बात है बीजेपी के लिए, कि वो बिग ब्रदर की भूमिका में इस बार नजर आ रही है। रविंद्र, एनडीए जीतता है या नहीं जीतता उसका थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन बीजेपी जरूर बिग ब्रदर की भूमिका में इस बार 20 साल के बाद बिहार में। बिल्कुल, आप जिस चीज का इंतजार अगर कई बीजेपी के नेताओं को था, खासकर जो मौजूदा नेतृत्व बीजेपी का बिहार में है, उसको चाहते थे कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो या कुछ नए लोगों को उसमें लाया जाए, उनको जरूर यह खुशी हुई है कि जो पार्टी एक तरह से नीतीश कुमार जो कहते थे या सुशील मोदी जो कहते थे उसी के अनुसार चलती थी, उसमें आगे चलकर कुछ तब्दीली आएगी। बीजेपी अगर बड़ी पार्टी हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी का करिश्मा होता है, इसमें कहीं ना कहीं मायने रखता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो गठबंधन अगर सत्ता में आती है या सत्ता के करीब आ रही है, तो बिहार के लोगों में एक चीज का डर था, जिन्होंने जंगल राज देखा था या जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा लेकिन उसका कहीं ना कहीं सुना था, उसको यह डर था, इसलिए निराशा के जगह पर डर हावी हुआ उन मतदाताओं में। यानी कि जंगल राज की जो याद दिलाई प्रधानमंत्री ने वो असर कर गया। मैं जल्दी से रवि त्रिपाठी का भी रुख करना चाहूंगा। रवि त्रिपाठी, 10 सीटों का सिर्फ गैप है महागठबंधन और एनडीए में, और 1 करोड़ वोट गिने जाने बाकी हैं।
देखिए अब 10 सीटों का फासला भी नहीं रहा, अगर चुनाव आयोग की साइड देखें तो 5 से 6 सीटों का फासला हो चुका। और उसके जगह में उत्साह देखिए, ये आरजेडी का कार्यकर्ता है और तेजस्वी यादव का घर है, ये तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और सब यहाँ जो है इंतजार कर रहे हैं, कोई यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, सब डटे हुए हैं। एक एक कार्यकर्ता देखिए सब निगाह लगाए हुए, अंदर नेता भी पहुंच चुके हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं और सब इसी इंतजार में है कि कब जो है फाइनल रिजल्ट आए। तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं में लगातार जोश बढ़ता जा रहा है और नेता जो है लगातार बाहर आकर जब बयान देते हैं कि भाई इंतजार करो, 2 घंटे के बाद आपका बहुमत होगा, तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ जम के नारेबाजी होती है, लगातार एक कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं। रवि त्रिपाठी, इसीलिए शायद मनोज झा कह रहे थे कि हम 8 बजे बाहर आएंगे और विक्ट्री साइन दिखाएंगे, तो लालटेन जलने का इंतजार किया जा रहा है। विलंब है मगर हम लोग, हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल, मनोज झा अंदर है और पटाखे वटाखे से लेकर सब चीज की तैयारी इनके भी है, लड्डू इन्होंने भी बनवाया था लेकिन लड्डू साइड करके रखा गया था। ये कार्यकर्ता है क्या भाई, लड्डू वड्डू बनाया कि नहीं? नहीं नहीं, लड्डू देखिए लड्डू का कोई प्रबंध नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, मगर हम लोग जीतते हैं तो अबीर मिठाई एक दूसरे भाई को खिला के हम लोग स्वागत करेंगे। उम्मीद है, हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, क्योंकि बिकॉज अब पहले से जो 3 साल से जो ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट रहते थे 5 साल मिलती थी, उनके आने के बाद से बहुत जल्द समय हो जाएगी। जी, तस्वीर दिखाना चाहिए। देखिए रवि, बिहार पॉलिटिकल लीग में तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, अब कप्तानी किसके हाथ में आएगी उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, तो खेल के मैदान में किसकी ताजपोशी होगी उसका भी इंतजार किया जा रहा है। विशाल बिल्कुल, और सीधे रुख करते हैं रौनक का, देखते हैं आईपीएल मसाला अनलॉक। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।